पहले हम इन दोनों मोटरों को बारी बारी सोलर पैनल पे चलाएंगे और इनका रिजल्ट भी चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या हम एक सोलर पैनल पे एक मोटर को एक वक्त में चला सकते हैं या दोनों मोटर को एक वक्त में चलाया जा सकता है, और सोलर पैनल पे डीसी मोटर को चलाने का क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो पहले हम इस बड़ी वाली मोटर को चलाते हैं, इसे चेक करते हैं, उसके बाद छोटी मोटर को चलाएंगे। दोस्तों देखें, एकदम से ये मोटर स्टार्ट नहीं हुई है, हमें इसे हाथ से धक्का देना पड़ा है। अब हम दूसरी मोटर को चलाने जा रहे हैं जो कि छोटे साइज की है। दोस्तों यहां पे हमें 8 एम्पीयर देखने को मिल रहा है।